हेलो फ्रेंड्स, सी एम सी आई टी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोशन और हम आज इस ट्यूटोरियल में जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 में फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट टैग का उपयोग करना। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, एक दूसरे को साथ शेयर करें और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम प्रोग्राम मोड में चलते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन मौजूद होगा जहाँ पे बहुत सारे आपको टूल्स और ऑप्शन सब रहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपको ये एप्लीकेशन विंडो है जहाँ पे आपको ये टाइटल बार दिया गया है, उसके बाद मेन्यू बार है, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार है और ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो ट्यूटोरियल में दिखा चुका हूँ। तो आज का जो बारी है, आज हम जानते हैं आपको फॉर्मेट मेन्यू में आपको फॉन्ट टैब जो है अर्थात फॉन्ट ऑप्शन का हम उपयोग हम कम्प्लीटली सीखेंगे और इसके साथ साथ फॉर्मेट का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेट का डिफिनीशन क्या होता है, फॉन्ट टैब का डिफिनीशन क्या होता है, हम फॉन्ट टैब में कैसे वर्क कर सकते हैं, सब कुछ हम इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मेट मेनू में ये जो मेनू बार है फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल स्टेबल विंडो है, जिसमें आपको फॉर्मेट मेनू के सबसे पहला ऑप्शन जो है आपको फॉन्ट है। खास करके देखिए फॉन्ट जो है फॉर्मेट का मतलब होता है स्पेशली द जेंडर अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इज नोन एज फॉर्मेटिंग। किसी भी टेक्स्ट को जो जेंडर अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट का मतलब होता है उसमें बहुत तरह का फॉर्मेटिंग टूल सब अप्लाई करके यूज करके उस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव करते हैं और हाईलाइट करते हैं और जो दिखने में अच्छी लगे। तो इसके लिए हमें जो टूल्स यूज करना होता है उसे फॉर्मेटिंग टूल्स कहा जाता है। और फॉर्मेटिंग टूल्स यूज करके जो हम कॉन्टेंट्स में अप्लाई करते हैं वो टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कहते हैं। तो जिसे शॉर्टकट है अल्ट प्लस ओ, जब भी आप अल्ट प्लस ओ डालेंगे तो अल्ट प्लस ओ डालने के बाद आपको ये मेनू आएगा, ठीक है। जब भी जैसे आपको अल्ट खींचने के बाद जैसे अल्ट एफ करते हैं तो फाइल आता है, ई करते हैं तो एडिट आता है, उसके बाद वी करते हैं तो व्यू आता है, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करेंगे, अल्ट ओ जब करेंगे तो हमें क्या होगा, फॉर्मेट आएगा। आप फॉन्ट में क्लिक करके जब भी क्लिक करेंगे तो ये आपको मौजूद होगा, ये डायलॉग बॉक्स ये है आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ये जानने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा कि जब भी ये फॉन्ट का जो है ये फॉन्ट ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट है अल्ट ओ एफ, जब भी करेंगे अल्ट ओ एफ तो आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको जितने सारे आपको फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम कलर, फॉन्ट नेम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और जितने सारे इफेक्ट्स हैं सारे कुछ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो सब कुछ हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से कैरेक्टर स्पेसिंग ले सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक वीडियो है आपको, अगर आप फॉर्मेटिंग के बारे में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो अच्छी तरह यहाँ समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट का जो डिफिनेशन है, दिस ऑप्शन इज अंडर द फॉर्मेट मेनू व्हिच अलाउज द यूजर टू सेव द फॉन्ट फेस और नेम। फॉन्ट फेस और नेम एक ही चीज़ है, कोई फॉन्ट फेस कहते हैं और फॉन्ट कोई फॉन्ट नेम कहते हैं। उसे फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, मतलब बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट साइज होते हैं आपको वर्ड में 12 होते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। फॉन्ट कलर मतलब टेक्स्ट को कलर चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन चेंज कर सकते हैं स्टाइल और डिफरेंट बहुत सारे इफेक्ट्स सब हमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टेप यहाँ पे दिया गया है, टेक्स्ट में सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, अगर फॉर्मेटिंग करना चाहते हो आप तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट में सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आप कौन सी टेक्स्ट को, मान लीजिए यहाँ पे जो है ये जो है कंटेंट्स, ये कंटेंट्स को सिर्फ हमें क्या करना है, अलग हमें अप्लाई करना है। तो फॉर्मेट में जाएंगे, सेलेक्ट का मतलब होता है हाईलाइट, बिना हाईलाइट किए आप किसी भी कंटेंट्स को फॉर्मेटिंग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में जाना है, फॉन्ट में जाना है, मान लीजिए फॉन्ट में जा करके यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन में जा करके अगर आप जो यहाँ पे अलग कोई दूसरा अगर देना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे दूसरा दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, कुरियर न्यू में ओके करेंगे तो यहाँ क्या होगा, आपको फॉर्मेटिंग में देख रहे हैं स्टाइल में चेंज हो चुका है, ठीक है। इसे सिलेक्ट करने कोई भी अगर आपको इफेक्ट अप्लाई करना हो या फॉर्मेटिंग करना हो तो आपको सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे मोनो टाइप करना है
मोनोटाइप सी यू आर एस ए वी ई, ठीक है, मोनोटाइप कर्सिव, यहाँ से भी कर सकते हैं मोनोटाइप कर्सिव, कहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हैं मोनोटाइप कर्सिव, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए सी यू आर एस आई वी ई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपको फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, एरियल टाइम्स न्यू रोमन करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपको टाइम्स न्यू रोमन में अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मेट में जाके, फॉन्ट में जाके, ये रहा फॉन्ट, अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक में क्लिक कर दीजिए, अगर इसे आप फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जा करके, अगर आप इसे रेगुलर करना है तो रेगुलर में जाके क्लिक कर दीजिए, जो भी आपको अप्लाई करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाके, फॉन्ट में जा करके, बोल्ड अगर इतना ही को करना है तो बोल्ड में जाकर के क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, आपको फॉन्ट स्टाइल, अगर आपको कोई साइज अगर बढ़ाना है घटाना है, यहाँ से साइज चूज कर सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से भी आप मान लीजिए कि यहाँ पे 15 है, 15 कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 15 साइज इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में जाके, फॉन्ट में जाके, यहाँ पे अगर आप 20 करते हैं, मान लीजिए 20 कर देते हैं, तो 20 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप जितना रखना चाहते हैं यहाँ पे क्या कर दीजिए, रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं, बोल ये जो है देख रहे हैं, तो ये जो फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जा करके, तो फॉन्ट नेम, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, इसके बाद आपको अगर यहाँ से भी आप फॉन्ट नेम, फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो है आपको यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जब भी ओके करेंगे यहाँ से कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए नीचे का हमें फके कुछ चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लें, हाईलाइट कर लें, उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में जाकर के हमें क्या करना होगा, आपको कलर चेंज करना होगा। अगर मोर कलर लेना चाहते हैं तो मोर कलर में जाइए, मोर कलर में चूज कीजिए, हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अंडरलाइन कलर में अगर आपको अंडरलाइन स्टाइल आपको डबल करना है तो डबल कर दीजिए, जितने सारे कंटेंट से आपको अंडरलाइन हो जाएगा। अगर फिर आपको यहाँ पर एडिटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाके, फॉन्ट में जाके, यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे नन कर दीजिए, और यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी कलर ले सकते हैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको जब भी ओके करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में जा करके अगर मान लीजिए यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो मान लीजिए ओके करेंगे तो यहाँ पे स्ट्राइक हो चुका है, मतलब लाइनिंग क्रॉस, किसी भी कॉन्टेंट्स में जो सिंगल लाइनिंग क्रॉस करते हैं उसके कहते हैं स्ट्राइक कहा जाता है। मान लीजिए कंट्रोल जेड में क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, फॉन्ट में जाते हैं, इसमें जाके डबल करेंगे तो डबल स्ट्राइक मतलब डबल लाइनिंग आपको टेक्स्ट कंटेंट्स के बीच ही बीच पार होगा, ठीक है। कंट्रोल जेड, फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जा करके, फॉन्ट में जा करके आपको सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो आपको पावर का काम करेगा यहाँ पे। इस तरह आप नहीं देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई कंटेंट्स मैंने लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट्स मैंने लिखा हूँ X2 है, ठीक है। अगर 2 को हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जा करके अगर सुपर स्क्रिप्ट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर इसी 2 को हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जा करके सब्सक्रिप्ट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट क्या करते हैं, पावर और बेस का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर करेंगे तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, सभी कंटेंट्स को पहले हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है कंटेंट्स, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हूँ, फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जा करके शैडो करेंगे, देख रहे हैं, अगर शैडो करेंगे तो इस तरह, आउटलाइन करेंगे तो इस तरह होगा, इमेज करेंगे तो इस तरह, जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है अब देखिए यहाँ पे इस तरह आपको कंटेंट्स आपको क्या होगा, कलर होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जस्ट आपको क्लिक करना है, जस्ट आपको क्लिक करना है और देखना है कि हमारा एफएक्स किस तरह आ रहा है, देख रहे हैं। इसमें क्लिक करने के बाद आपको जो फॉन्ट कंटेंट्स का जो आपका स्टाइल चेंज होगा। फॉर्मेट में जाकर के फॉन्ट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्लिक करके देखना है, देखिए इसमें इफेक्ट देखिए क्या है, स्मॉल कैप्स देखिए, कैपिटल में होगा लेकिन सब स्मॉल होगा, ठीक है।
यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए एक तो भी आपको कैरेक्टर्स नहीं है जो आपको स्मॉल में है, ठीक है, स्मॉल में लिखा है लेकिन पूरा कैपिटल है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं और फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जा करके, यहाँ पे ऑल कैप्स, ठीक है, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स में मतलब जितने हैं सब कैपिटल लेटर में, आपको बड़ा फॉन्ट में रहेगा, ठीक, देख रहे, फॉलो करें बात को। इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जा करके, हिडन, जब भी हिडन में क्लिक करेंगे तो आपको है लेकिन कंटेंट्स दिखाई नहीं देगा, हाइड हो जाएगा। फिर इसी को फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जा करके, हिडन में क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे तो कंट्रोल जेड करें, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल जेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाके, फॉन्ट में जाके, आपको कैरेक्टर स्पेसिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग क्या होते हैं, अगर मान लीजिए ये आपको कंटेंट्स है, ये फाइल है, ये फाइल को क्या करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कितने सारे आपको लाइनिंग्स है, सब लाइनिंग्स को क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसे हम लाइनिंग सेट करना चाहते हैं, फॉन्ट में जा करके, फॉन्ट में जा करके लाइन कैरेक्टर स्पेसिंग, मान लीजिए कैरेक्टर स्पेसिंग अगर यहाँ पे हम दो दे रहे हैं, ठीक है, ओके करेंगे तो देख रहे हैं कैरेक्टर्स के बीच आपको स्पेसिंग छोड़ा गया, पहले इस तरह था, ठीक है। मान लीजिए फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जा करके, कैरेक्टर स्पेसिंग में यहाँ पे हम ले रहे हैं, अगर हम यहाँ से कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं स्पेस, तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं दो कैरेक्टर के बीच में कितना कितना स्पेस आपको छोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर स्पेसिंग ये है। अब मान लीजिए सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जा करके, ठीक है, यहाँ से आपको कैरेक्टर स्पेसिंग दे सकते हैं, पोजिशनिंग यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, टीवी में भी देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं, आपको कंटेंट्स जो है कैरेक्टर स्पेसिंग आपको बढ़ रहा है ना, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, दो कैरेक्टर के बीच में ज़्यादा कम कर सकते हैं कंटेंट्स को, और यहाँ से पोजिशनिंग जो है, पोजिशनिंग आपको सेट कर सकते हैं, देख रहे हैं कंटेंट्स को पोजिशनिंग। तो फॉर्मेट आगे चलते हैं, फॉर्मेट में जा करके आप यहाँ सेलेक्ट कर ले कंटेंट्स को, पूरा फुल कंटेंट्स को सिलेक्ट करने पहले, फॉर्मेट में जाके, फॉन्ट में जा करके, आपको टेक्स्ट इफेक्ट जो भी आपको अप्लाई करना हो, ठीक है, जो भी आपको अप्लाई करना हो, जब भी ओके करेंगे तो देख रहे हैं इफेक्ट अप्लाई हुआ, ठीक है। अगर फॉर्मेट में जा करके आप इफेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जा करके मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए किस तरह का इफेक्ट अप्लाई हुआ, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं था, पहले सेलेक्ट कर लीजिए कंटेंट्स को, फॉर्मेट में जा करके, फॉन्ट में जा करके, आप यहाँ पे ट्विंकल ओके करेंगे तो देख रहे हैं किस तरह का इफेक्ट अप्लाई हुआ, ठीक है, ये आपका इफेक्ट। फॉर्मेट में जा करके अब क्या करेंगे, फॉन्ट में जा करके अगर यहाँ पे नन करते हैं, जितने सारे इफेक्ट हैं, सारा इफेक्ट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि अगर आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तो किसी भी तरह का आपको इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब नन करेंगे तो बिल्कुल आपको नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसने जाना आपने फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट ऑप्शन का काम। इसके साथ साथ मैं इस ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करने जा रहा हूँ और अगले ट्यूटोरियल में हम आपको टेबल मेनू लेके हम यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।